हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल डिस्कवर टुगेदर में। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट ज्योत्सना त्रिपाठी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो गुल्लू नहा करके आ चुका है, अब बस इसे रेडी करना है। तो आज मकर संक्रांति है तो मैंने सोचा क्यों ना इसको कुछ ट्रेडिशनल पहनाया जाए। तो आज गुल्लू पहनेगा ये। तो चलिए मैं जल्दी से इसे रेडी कर देती हूँ, फिर मिलती हूँ। A few moments later. तो फाइनली हमारा गुल्लू बिल्कुल रेडी हो चुका है। लंच कर के दिखाओ, तो आज मकर संक्रांति है इसलिए मैं खिचड़ी बनाने जा रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ मकर संक्रांति पे खिचड़ी बनती है। तो मैंने ये सारी सब्जियां ले ली है, बस मैं इनकी चॉपिंग करूंगी और उसके बाद खिचड़ी बनाऊंगी। तो चलिए चॉपिंग स्टार्ट करते हैं। मैं प्याज और लहसुन नहीं यूज करूंगी क्योंकि आज मैं ये खिचड़ी भोग के लिए बना रही हूँ, तो इसमें मैं प्याज और लहसुन नहीं वर्ज। तो ये मैंने खिचड़ी बनाने की पूरी तैयारी करी है। वेजिटेबल चॉपिंग हो चुकी है, राइस मैंने शो करके रख दिए थे, ये मूंग की दाल जो मैंने शो करके रख दी थी, हींग, राई और सारे मसाले। तो बस खिचड़ी बनाने मैं खिचड़ी बनाने के लिए घी का यूज करूंगी, घी से शोक लगाऊंगी। सबसे पहले राई डालेंगे, गैस एकदम स्लो, थोड़ा सा जीरा, हींग क्योंकि हम प्याज जैसे नहीं यूज कर रहे थे, हींग है। कंसिस्टेंसी रखिए क्योंकि मुझे बहुत पतली नहीं चाहिए, बहुत गाढ़ी, बस ढक के इसमें
कुछ नहीं लगती, तो चलिए पापड़ सेक लेते हैं। हमारी खिचड़ी एकदम तैयार है, बस अब हम इसमें ऊपर से ऐड करेंगे घी। तो ये तैयार है मेरी मकर संक्रांति स्पेशल थाली, चलिए खाते और एंजॉय करते हैं। सॉरी मैंने खिचड़ी के साथ गुड़ नहीं रखा था क्योंकि मेरे पास गुड़ खत्म हो गया था, और आज हम गजक भी खाते हैं तो इसलिए गुड़ की जगह गुड़ की गजक से काम चलाते हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ मंदिर क्योंकि मैं वहाँ पर खिचड़ी का सामान दान करने जा रही हूँ, और ये मैंने सारा सामान ले लिया है। इसमें है पापड़, मिर्ची, आलू, दाल, हल्दी, जीरा, नमक, तो ये सब हम मंदिर में दान करके आएंगे, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट घी। मकर संक्रांति है तो कुछ ना कुछ स्पेशल तो बनना चाहिए, तो मैं डिनर बना रही हूँ सेवैया, फूल गोभी की सब्जी और पूड़ी। तो मैंने दूध चढ़ा दिया है, अब मैं ये इलायची पीस करके इसका पाउडर तैयार करूँगी, क्योंकि खीर में अगर इसका पाउडर डाला जाता है इलायची पाउडर तो उसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। ये पाउडर तैयार हो गया, बस अब इसको हम खीर में डाल देंगे। यहाँ पर सब्जी बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। कढ़ाई गर्म हो चुकी है, अब हम इसमें तेल डालेंगे और सबसे पहले गोभी को फ्राई करेंगे। गोभी की सब्जी तो हमने कई बार बनाई है, लेकिन आज मैं इसे कुछ नए तरीके से बनाने जा रही हूँ, आई होप अच्छी बने। दूध हो चुका है, एकदम खोल गया है, तब हम इसमें सेवैया डालेंगे। ये मैं रोस्टेड सेवैया यूज़ कर रही हूँ तो मुझे इसको रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं थोड़ी सी सेवैया डालेंगे। चलाते रहेंगे ताकि अच्छे से हो जाए, उसके बाद इसमें चीनी ऐड करेंगे। और यहाँ हमारी गोभी बन रही है, हम गैस थोड़ी सी तेज कर देंगे और गोभी को भुनेंगे अच्छे से। हमें एटलीस्ट 70-80% गोभी को भुनना है। हो चुकी है तो इसमें हम चीनी ऐड करेंगे। ये मिक्स हो जाए, इसे रोकेंगे नहीं, अदरवाइज ये जल जाएगी या नीचे लग जाएगी। सेम टाइम खीर में मैं ऐड करूँगी स्पोर्ट पाउडर, ये जो है ये ड्राई फ्रूट्स का पाउडर है, इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स को पीस करके रखा गया था, तो मैं ये पाउडर ऐड कर दूँगी। बस इसको थोड़ी देर और पकाएंगे, फिर खीर रेडी। रेडी हो चुकी है, कुछ इस तरीके से बनी है। अभी हम इसे रखेंगे तो हल्की सी गाढ़ी हो जाएगी, इसलिए उसको हम इसी तरीके से रखेंगे और बस गैस बंद कर देंगे। तो हमारी गोभी हो चुकी है, अब हम उसको निकाल लेंगे। तो हम इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे कढ़ाई में और इसको गर्म होने देंगे। अब तक हम दो मीडियम साइज की प्याज काट लेंगे और दो हरी मिर्च। जीरा डालेंगे, थोड़ी सी घी, और उसके बाद हो जाएगी, तब हम इसमें कुछ और मसाले ऐड करेंगे। अब प्याज का कलर चेंज हो चुका है तो एट दिस स्टेज हम इसमें
जिंजर गार्लिक का ये पेस्ट ऐड करेंगे। और इसको 2 मिनट के लिए कवर कर देंगे ताकि ये जो जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाला है उसका अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। हम इसमें 1 टमाटर ऐड करेंगे। अच्छे से मिला करके इसको थोड़ी देर पकने देंगे जब तक ये मसाले ऑयल नहीं छोड़ देते हैं। तैयारी कर लिया, आटा मैंने ऑलरेडी लगा लिया है, तो इसमें मैंने अजवाइन और कसूरी मेथी यूज़ किया है, मुझे कसूरी मेथी बहुत पसंद है। बस हम पूड़ियाँ बेलना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी ऑयल निकाल लेंगे। हमारी सब्जी सारे मसाले ऑलमोस्ट पक चुके हैं, मसालों में बहुत अच्छा सा कलर छोड़ दिया, बहुत ही अच्छी फ्रेगरेंस आ रही है। इस स्टेज में हम इसमें थोड़ा सा दही ऐड करेंगे और बस हम इसे छोड़ना नहीं है, अदरवाइज दही फट जाएगा, तो इसे हमें कंटिन्यूसली चलाते रहना है। सब्जी रेडी होगी, हमारी पूड़ी भी बन जाएंगी। मैंने सारी पूड़ियाँ बेल ली हैं, अब इनको जल्दी से सेकेंगे। ऑयल बिल्कुल गर्म है, तो विदाउट देर जल्दी जल्दी पूड़ियाँ निकालेंगे। बुढ़ा हटो यहाँ से बेटा। पड़ी गर्मा गर्म पूड़ी। अभी हमारी सब्जी एकदम तैयार है, बहुत ही प्यारा टेक्सचर आया है। खाने में कैसे, क्योंकि मैं भी ये फर्स्ट टाइम बना रही हूँ और मेरी पूड़ियाँ भी एकदम तैयार हो चुकी हैं। तो बस चलिए थाली लगाते हैं। थाली बिल्कुल तैयार है, बस अब जल्दी से खाएंगे, बहुत भूख लग रही है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।